नमस्ते सभी राम भक्तों को, जय गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। चतुर्सागर पर्यंतं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। विश्वामित्र अष्टकः यशन्वे त्र्यंब ऋषि प्रवरान्विते लोहितसगोत्रोभ्यः आपस्तम्भस्तोत्रे ऋग्वेद अध्यायिनी लक्ष्मी सौभाग्यवती सुधाराणी नामदेस्य अहम्बो अभिवादये। मैं ये वीडियो के माध्यम से चार शंकराचार्य के मठाधीशों के गुरुदेव का पादाभिवंदन करते हुए विनम्रपूर्वक एक बात राम भक्तों को, सारे हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहती हूँ, क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में चार शंकराचार्य मठ या और चिन्नजीयर स्वामी जैसे लोग भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्र जब भी कहती है कूलंकष कहती है और निरकष से कहती है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन करने वाले शंकराचार्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा में इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी पूरा अयोध्या का राम मंदिर तैयार नहीं हुई है, तो उनका मान्यता की करेक्ट है। तो मोदी जी की तरफ से देखे एक बार मोदी जी का नजरिया भी देख रहे हैं, उन रामलला का प्रतिष्ठा ये जल्दबाजी में नहीं हो रहा। हाँ, हिंदुओं का मंदिर बनाने में आगम शास्त्र का उपयुक्त करते हैं, सबको मालूम है, मगर इतना जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, क्यों? आपके आने वाला 3 महीने में इलेक्शंस है, तो एक बार मोदी जी ये प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू वासियों को ये राम मंदिर सौंपा दिया तो उनका ड्यूटी खत्म होती है। उनका थिंकिंग को, उनका मन को पढ़िए, क्योंकि ये देश ऐसा सेकुलर बन गई है कि पूरा 100% में 70% हिंदू पॉपुलेशन है, 30% में 20% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन को ले अलग में रखकर ये 70 में भी ले, तो SC ST अपनी ही जीवन शैली जीते हैं, उनको राम मंदिर के में निष्ठा नहीं होती है, उनको हम कंसिडर नहीं कर सकते। अगर इसी इलेक्शंस में कांग्रेस इस देश को मुस्लिम राष्ट्र और कुछ फ्री बीस कुछ मुनाफा दे दिया तो मैं 100% गारंटी लिखकर दे सकती हूँ कि यहाँ पे इतने कुर्दगर्जी लोग है इस 50% में कि वो लोग 20% लोग कांग्रेस को वोट देने में कोई भी झिझक नहीं करते हैं। ऐसा कुदगर्जी लोग इस 50% हिंदू पॉपुलेशन में है। ऐसा नाजुक स्थिति में हिंदू देश में हिंदू है मगर ये सेकुलरिज्म के आड़ में हम लोग ये ऐसा जी रहे हैं, तो इसीलिए मोदी जी चांस नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए 22 जनवरी को ये अच्छा मुहूर्त है, वहाँ पर रामलला का प्रतिष्ठा हो गई। एक बार प्रतिष्ठा हो गए तो मोदी जी का ड्यूटी कर्तव्य समाप्त होती है और हिंदू बंधुओं का कर्तव्य शुरू होती है। 500 साल के बाद आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को किस तरह हमने आवाहन किया ये चरित्र में जरूर लिखा जाएगा। एक बार मंदिर पूरा कंप्लीट हो तो सारा मठाधीश शंकराचार्य जी चिन्नजीयर स्वामी जी सर लोग आकर अपना तपोदान वहाँ करने के बाद हम लोगों को जाना चाहिए, यही करेक्ट प्रोसीजर होगा। आप लोग सिचुएशन को समझिए, हर बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हम खुद अपने जो काम कर रहे हैं उन पर उंगली उठाए तो गलत होगी, मगर जो शंकराचार्य जी लोग कहते हैं वो करेक्ट है, उन लोगों शास्त्र के अनुसार जाते हैं, ये सिचुएशन के अनुसार मोदी जी जा रहे हैं, तो हम लोगों को संयम रखना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।